तो दोस्तों ये देखो, ये है नज़ारा। आपको 360 व्यू दिख रहा होगा, चारों तरफ बर्फ बर्फ। और कल कुछ नहीं था। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। इट्स डे 2 इन लाहौल। और कल रात को 12 बजे से जो स्नोफॉल स्टार्ट हुई है वो करीब सुबह 6 साढ़े 6 तक चली है। तो काफ़ी स्नो गिरी है यहाँ पे। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, देखते हैं क्या सिचुएशन है। कल रात को हम कार को ढकना भूल गए थे तो काफ़ी बर्फ़ होगी। अभी देखना है कार स्टार्ट होगी नहीं होगी, हमें वेट करना पड़ेगा, गर्म पानी डालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दैट्स द थिंग। तो चलिए फिर देखते हैं बाहर क्या है। ये हमारा सारा सामान है, ये आप देख सकते हो स्नो कितनी। ओ गॉड, पूरी गेट पर स्नो ही स्नो है। करेंगे ओपन, अब आए हैं तो कुछ तो करेंगे, निकले हैं तो कुछ तो करेंगे। तो सबसे पहले तो ये इतनी स्नो ऊपर है, इसको अबे गेट वाली स्नो तो हटानी पड़ेगी वरना सारा बर्फ अंदर आ जाएगा जैसे ही खोलूंगा। ओ गॉड भाई, नजारा देखो बे। नजारा देखो भाई आगे बाहर का। तो दोस्तों ये देखो, ये है नजारा। आपको 360 व्यू दिख रहा होगा, चारों तरफ बर्फ बर्फ। और कल कुछ नहीं था वो आप देख ही सकते हैं। अभी मैं आपको वो पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। और उसके बाद अभी आप ये देखिए कि पूरा बर्फ है। जो विंटर स्पीति हम लोग करने की सोच रहे थे वो अभी हो गई है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। अब ये 2 दिन तक और ऐसे ही स्नोफॉल रहने वाला है। अगर कंटिन्यूस चलता है तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है हम लोगों को, क्योंकि स्नो चेंज है नहीं हमारे पास। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन सपना पूरा हो गया। लाइव स्नोफॉल इतनी, हमने शायद कश्मीर ही जाना पड़ता हम लोगों को देखने के लिए, लेकिन इतनी पास लाइव स्नो देखना इट्स अमेजिंग। और बाकी नज़ारा आप लोगों के सामने है, देखिए एंजॉय कीजिए, हम लोग तो कर ही रहे भाई। हैं लोग रात पूरी रात में लगभग 4 इंच के आसपास बर्फ़ पड़ी है। हम जो कल यहाँ पे रेत में घूम रहे थे, आज लिटरली बर्फ़ को फील कर सकते हैं। और वो जो एक एहसास होता है कि कदमों को रखते हैं बर्फ खस 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 खसकती है, वो यहाँ पे आ रहा है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। और अभी भी ये हो रहा है और हमें यकीन नहीं, हमने रात में भी कुछ शॉट लिए हैं और दिन में भी लिए हैं, और हमने दोनों दोनों टाइम पे मतलब बर्फ देखी है। सो इट्स ऑल अमेजिंग, सिंपली ऑसम। और देखते हैं कैसा। आ हा 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 स्नो। और ये अरे सही निकाला, पड़ा निकाला, पड़ गया पड़ गया पड़ गया पड़ गया। आप ये देख सकते हो कि कितनी स्नो है इसके ऊपर, कार के ऊपर। ये हमारे टेंट की हालत है। तो गाइस ये हमने अपना बोन फायर भी स्टार्ट कर लिया है। एज यू कैन सी हम लोग इस सर्द मौसम में बोन फायर का मजा लेते हुए इस ट्रिप पे। यहाँ तो ये
is now coming. See, see. Cheers. See. And Sanjit is drinking Coca-Cola. Neat. इसका एक तो मेरे पास रखा है, अब ये तीन तो पांच किया करेगा। सब लोगों का लंच प्रिपेयर हो रहा है। ये राजेश पनीर फ्राई करते हुए, चावल हमारे बन चुके हैं। अमित भाई पनीर स्वाद बनाया, मजा आ गया, मुझे आ गया। और ये राजेश पनीर का मजा लेते हुए, गरम चीज इतनी बर्फ में खाने का मजा ही कुछ और है। नाउ वी आर कुकिंग दाल मखनी और अदर वार्मिंग। चावल हमारे बन चुके हैं, अमित भी आ चुके हैं, तो अब इसके बाद हमें बस इसे खाना है। और हम लोग चावल दाल मखनी अचार घी इसका अब हम लोगों ने बनाया है और इसको इंजॉय करेंगे इस सर्द मौसम में। गरम खाना बहुत अमेजिंग लगता है। वेदर ऑसम है, आप ये सब देख सकते हैं। और क्या बोले, हम इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोग वीडियो में भी इसे उतना ही इंजॉय कर पाएंगे जितना हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन वी नो कि जस्टिस कभी भी नहीं करता है वीडियो, यू हैव टू बी हेयर टू फील इट। Thank you.
लोग अभी स्टिंगवे पे हैं और यहाँ पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं और बिकॉज ऑफ द वेदर फोरकास्ट इन लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी व्हीकल को यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए। दो वी आर ट्राइंग कि दारचा तक एटलीस्ट मिल सके। पहले क्या होता था कि दारचा में इन लोगों की पोस्ट होती थी तो अगर हैवी स्नोफॉल होता था तो वो ये लोग बारालाचा क्रॉस नहीं करने देने के लिए दारचा में रोक लेते थे, बट अभी क्या है कि वहाँ पर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, हेंस दे हैव पुट द पोस्ट हियर एंड दे आर स्टॉपिंग ऑल द व्हीकल्स फ्रॉम मूविंग अहेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। So probably bad luck, we would not be able to complete Singula this time because of heavy snowfall and safety purpose, but anyway we'll try later on. The time ho raha hai around 6:30. ye hai hamare night ka bonfire aur hum log drinks aur snacks ka maza lete hue baki ye dekhiye आलू जो पके थे वो खाए जा रहे हैं। साथ में जो गाना चल रहा है वो गज़ल चल रही है, वो भी फेवरेट राजेश तोमर की, मतलब उनकी ही फरमाइश पे। तो ये ट्रिप तो हमारी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। कल हम लोग वंस अगेन सिंकुला के लिए ट्राई करेंगे क्योंकि आज भी हम लोग गए थे बट वी वर सेंट बैक फ्रॉम केलोंग। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग ट्राई करेंगे इफ़ यू कैन गेट थ्रू दैट चेक पोस्ट। तो हम लोग सिंगुला जाके और इमीडिएटली विल कम बैक एंड हेड बैक टू दिल्ली एज वी।